इसके बाद एक और बात आती है प्लैनेट की। कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से? देखो हिंदुस्तान में सात वार है, रविवार सूर्य का, सोम चंद्रमा का, मंगल मंगल का, बुध बुध का, बृहस्पति बृहस्पति का, शुक्र शुक्र का, शनि शनि का, बाकी दो कौन से प्लैनेट होते हैं? ये तो होते ही नहीं। क्या होता है? ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब चंद्रमा इधर ऊपर पहुंचता है तो उसे राहु स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, और जब नीचे पहुंचता है तो उसे केतु। चंद्रमा हमारे मन को बताता है, जब हमारा मन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होता है। अरे इतने जिन्हें आ गए अगली वर्कशॉप में तो सारा हॉल बुक करना पड़ेगा, ऐसी फॉल्स फीलिंग में इंसान जीता है। हर इंसान आता है जो केतु स्टेट ऑफ माइंड में, राहु स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा है, उसके बाद अचानक क्या होता है, वो अपना ही दोस्त धोखा दे गया, इसने भी क्लिनिक खोल ली, तो क्या होता है इंसान डिप्रेशन में, डिप्रेसिव मोड आता है, हर इंसान में आता है। तो अभी राहु एंड केतु, तो क्या है, रविवार यानी सूर्य, सोमवार चंद्रमा, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध, बृहस्पतिवार बृहस्पति, शुक्रवार शुक्र और शनिवार शनि। तो क्या करें, संडे को बोले, मंडे को इंडिगो, ट्यूजडे को ब्लू, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को ऑरेंज एंड सैटरडे को रेड पिरामिड का पानी पीजिए, फिर आपका कोई भी प्लैनेट आपको तंग नहीं करेगा, सब बैलेंस रहेगा। ये क्यों, ये सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही सारी ऊर्जा सभी प्लैनेट को मिलती है और क्राउन चक्र ही कॉस्मिक एनर्जी को हमारे शरीर में डालता है। क्यों ये चंद्रमा